स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, होप सो सारे फाइन होंगे। स्टूडेंट्स, थोनू याद होएगा कि आप लास्ट वीडियो दे विच मैथमेटिकल इंडक्शन बारे डिस्कस कर ले सी। उस नाल रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन किए सी डिविजिबिलिटी के उपर, तो कुछ सीरीज़ के उपर, सम ऑफ सीरीज़ के उपर। अज आप उस दे विच एक टाइप के क्वेश्चन थोड़े रह गए, वो आप अज डिस्कस कर लाँगे इस वीडियो के। ठीक है बच्चे, थोड़े को ना फर्स्ट जिम्मे क्वेश्चन है कि एन लैस दैन टू द रेस टू पार एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। तुम एक स्टेटमेंट दी है कि थोड़े को जी आप उरे एन कुछ भी पुट करते हैं, मतलब वन टू थ्री कुछ भी पुट करते हो, ये स्टेटमेंट है जी सारे नैचुरल नंबर वास्ते ट्रू है। तो अगेन बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, सब तो पहला आप रिजल्ट ट्रू करांगे एन इज इक्वल टू वन दे ली। एन इज इक्वल टू वन दे ली क्या जाएगा, वन लैस दैन टू दी रेस टू पर वन इज अ टू, वन इज लैस दैन टू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। सैकेंड स्टैप थोड़ा पता है कि आप रिजल्ट सपोज करके चल पाएंगे कि लैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मतलब के इज लैस दैन टू दी रेस टू पर के, ये आप सपोज करके हमेशा ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पता ही है। तो स्टैप थर्ड के आप करना होंगे रिजल्ट के प्लस वन के लिए ट्रू करना होंगे। आपने शो करना कि एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए रिजल्ट की हो जाए, प्रूव हो जाए। मतलब आपने की शो करना कि के प्लस वन इज लैस दैन टू द रेस टू पार के प्लस वन, असी ये स्टैप शो करना है। बच्चे इन क्वेश्चन के मतलब की फर्क है लास्ट वाले क्वेश्चन नालों, इन्हां दे विच की फर्क है? इन्हां दे विच लास्ट नालों ये फर्क है कि उत्थे इक्वल टू दा साइन हुंदा सीगा। ते थोनू मैंने दस्या सी कि हमेशा ही थर्ड स्टैप नू प्रूव करन दे लई हमेशा ही असी जो स्टैप सपोज करदे आ ना उसनू यूज़ करना है। बट इस दे विच प्रॉब्लम ये आ गई कि थोड़े कोल उरे इक्वल टू दा साइन नहीं हैगा कि तुसीं वैल्यू इत्थे पुट कर सको, क्योंकि उस दे विच जिन्ने भी आपां ने लास्ट वीडियोज़ दे विच क्वेश्चन किए हैं ना, वो सारे की सी कि उन्हां दे विच ऑलरेडी इक्वल टू दा साइन हुंदा ते सीगा, ते आप इस दी वैल्यू अगे पुट कर देंगे सी, सबसीट्यूट कर देंगे सी, बट इतने वो चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर आप हमेशा थर्ड स्टैप किस तरीके नाल प्रूव करने इस टाइप के क्वेश्चन के विच, जो अपने को सैकेंड स्टैप है ना, अपने सैकेंड स्टैप तो थर्ड स्टैप खुद बनाना है। थोनू पता है कि के दी वैल्यू लैस दैन टू दी रेस टू पार के है, मैंने थर्ड स्टैप बनाने के लिए थोड़ा दिख रहा होएगा देखो रे टू दी रेस टू पार के प्लस वन है। जे मैं सैकेंड स्टैप तो मैंने पता है कि आपने मनिया हुआ भी ये रिजल्ट ट्रू हैगा, मैं इस इसनों कुछ इस तरीके ना सोल्व करा कि मेरा थर्ड स्टैप इस नाल थोड़ा जहा मिलता जुलता हो जाए, तो मैं अगे क्वेश्चन नू चला सकती हाँ। तो मैं की करा जे मैं दोनों साइड से टू नाल मल्टीप्लाई कर दाँ, क्यों? बिकॉज मैंने टू की रेस टू पर के प्लस वन चाहिए, मैंने दोनों साइड की कीती टू नाल मल्टीप्लाई करती टू की रेस टू पर के प्लस वन। बट तुसी कहोगे कि थर्ड स्टैप तो साड़ा फिर भी नहीं बन पा रहा, बिकॉज थोड़े को थर्ड स्टैप का जो राइट हैंड साइड से आ रहा इन इक्वेशन टू की रेस टू पर के प्लस वन ये आ रहा, बट थोड़ा लैफ्ट हैंड साइड तो फिर भी नहीं मैच कर ली। फिर आप करना इन क्वेश्चन के तुसी ना लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड जो थोड़ा चाहिए है तो जो थोड़ा आ रहा, मतलब थोड़ा ऑलरेडी आ गया पर सानू चाहिए है, असी इन दोनों ना आपस के कंपेयर करते हैं। सपोज करो कि तुसी के दी वैल्यू के कोई नैचुरल नंबर लेना, के दी वैल्यू वन लो, यही बन जाएगा टू, ये भी साढ़े को क्या जाएगा टू आ जाएगा। चलो के दी वैल्यू टू लो, एक ही बन जाएगा फोर, ये बन जाएगा थोड़े को थ्री, के दी वैल्यू थ्री लोंगे इट बिकम्स सिक्स एंड इट बिकम्स फोर। तुसी ये देखो भी जब तुसी के दी कोई भी नैचुरल नंबर वैल्यू पुट कर दो, ए वाली टर्म थोड़े को की आ रही है हमेशा बड़ी आ रही है एक्सैप्ट वन, मतलब तुसी कह सकते हो भी के प्लस वन इज लैस दैन और इक्वल टू टू दी रेस टू पार के, विच इज़ लैस दैन के प्लस वन लैस दैन और इक्वल टू टू दी रेस टू पार के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। जिन्हें भी नैचुरल नंबर तुसी पुट कर दो ए वाली टर्म थोड़ी हमेशा की आँदी है बड़ी आँदी है ना। उस तो बाद थोनू पता है कि हुण तुसी की कीता, इन्हां दोनों जो तुसी स्टैप बनाया तो जो तुसी कंपेयर करके बनाया इन्हां दोनों स्टैप्स नू कंबाइंड कर दो, थोड़े कोल की आ गया के प्लस वन इज लैस दैन टू दी टू के, विच इज लैस दैन टू दी रेस टू पर के प्लस वन फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। सो के प्लस वन इज लैस दैन टू दी रेस टू पर के प्लस वन। देखो थोड़ा ऑलरेडी ये स्टैप अपने आप ही बन गया। इस तरीके नाल जो लैस दैन और ग्रेटर दैन वाले क्वेश्चन है ना, उस दे विच तुसी सैकेंड स्टैप की वैल्यू थर्ड स्टैप पुट नहीं करनी हैगी, सैकेंड स्टैप तो थर्ड स्टैप बनाना है। हुण मैं थोनू इस दे नाल रिलेटेड ही एक दो क्वेश्चन होर सोल्व करवाने हैं ताकि थोनू कंसैप्ट अच्छी तरह क्लीयर हो सके कि मैं की कहना चाह रही हूँ। देखो थोड़े को
आपां दो क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करांगे. फर्स्ट वन इज़ अ वन स्केयर टू स्केयर अप टू थ्री स्केयर. इस टर्म नू मतलब आप पूरी नू एन क्यूब बाय थ्री तो ग्रेटर शो करना है. थोनू पता है कि आप पहला एन इज इक्वल टू वन दे लिख करांगे. एन इज इक्वल टू वन का मतलब कि सीरीज दी फर्स्ट टर्म का सम थोनू ऑलरेडी पता ही है. एन इज इक्वल टू वन दे विच सीरीज दी फर्स्ट टर्म के वन दी स्केयर था मतलब थोड़े को लैफ्ट हैंड साइड से किया गया वन दी स्केयर इट बिकम्स अगेन वन. और एन इज इक्वल टू वन इधर जब पुट होएगा तो वन बाय थ्री वन इज ग्रेटर दैन वन बाय थ्री. रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन. नाओ सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के मतलब वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर अप प्लस अप टू के स्केयर इज ग्रेटर दैन के क्यूब बाय थ्री. ठीक है. नाओ वी हैव टू शो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन. अपने के प्लस वन के लिए करने के प्लस वन का मतलब कि सीरीज या लेफ्ट हैंड साइड तो मतलब की है कि सीरीज या फर्स्ट के प्लस वन टर्म्स का सम. सीरीज की फर्स्ट टर्म सीरीज की सेकंड टर्म ये दो टू टर्म्स का सम आ गया. थ्री टर्म्स थर्ड टर्म लिख के थर्ड टर्म थ्री टर्म्स का सम आ गया अप टू के प्लस वन दी होल स्केयर. ये अपने आप के सीरीज की के प्लस वन टर्म होगी तो सारा की आ गया सीरीज या फर्स्ट के प्लस वन टर्म्स का सम आ गया. थोड़ा पता दिस इज़ अ टर्म की है सीरीज की के प्लस वन तो इस तो पिछली कई टर्म होगी सीरीज की केथ टर्म. इसमें आप एवं लिख सकते हैं अपनी शो करना है इट बिकम इट इज़ ग्रेटर दैन के प्लस वन दी होल क्यूब बाय थ्री. ये अपनी शो करना है. देखो बच्चे हूँ थोड़े को इक्वेशन वाला मतलब थोड़े को ग्रेटर दैन और लैस दैन वाले क्वेश्चन आ गए तो मैं इवली वैल्यू में इधर सबसीट्यूट नहीं कर सकती. तो मैं थोड़ा लास्ट क्वेश्चन के समझाया कि आप ने इन्हों की करना होंगे कि जो अपना सैकेंड स्टैप बनया हुआ होंगे ना आप सैकेंड स्टैप तो ही थर्ड स्टैप बनावे. उस आप करा जो सैकेंड स्टैप है जिम्मे थोड़े को स्केयर है तो थर्ड स्टैप के आ रहा है के प्लस वन की होल स्केयर आ रहा है. तो उस मैं सैकेंड स्टैप तो थर्ड स्टैप बनाने की करा दोनों साइड ते के प्लस वन ऐड कर देंगे. वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर अप टू के स्केयर प्लस के प्लस वन दी होल स्केयर इज ग्रेटर दैन के क्यूब बाय थ्री प्लस के प्लस वन दी होल स्केयर. ठीक है. मैं सैकेंड स्टैप तो यही स्टैप बना मतलब ये थोड़े को स्टैप एक तरह गिवन हो गया मतलब जिसनों तुसी मन्या वा उसदे विच कुछ कितने थोड़ा ट्रू हो गया. बट तुसी इस स्टैप नू इस तो ग्रेटर नहीं शो करना तुसी इसनों इस तो ग्रेटर करना है ना. इन अपन ने एवली टर्म लेके आनी है ना कि एवली टर्म. फिर आप इसनों थोड़ा जहा सोल्व कर दे फिर देखते हैं कि होंगे क्वेश्चन च. इट बिकम्स के क्यू प्लस थ्री के स्केयर प्लस वन प्लस टू के बाय थ्री. एलसीएम ले लिया मैंने. इट बिकम्स के क्यूब प्लस थ्री प्लस सिक्स के प्लस थ्री के स्केयर बाय थ्री. पर तुसी प्रूफ की करना है तुसी की प्रूफ करना है के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के स्केयर प्लस थ्री के बाय थ्री. तुसी ए टर्म प्रूव करने कि एवली टर्म साढ़े को इस तो ग्रेटर हो गए. बट जब असी क्वेश्चन सोल्व करने लगे साड़ी एवली टर्म इस तो ग्रेटर होगी. जड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट से वो पूरी नहीं हो सकी. मैं थोड़ा की समझाया कि जड़ा थोड़ा अपना आया तो जड़ा तुसी प्रूव करना है इन्होंने दोनों वैल्यूज़ में ना आपस कंपेयर करो. बच्चे तुसी ये देखो कि के क्यूब प्लस थ्री आ रहा है प्लस सिक्स के आ रहा है उत्थे क्या रहा है के क्यूब थ्री के स्केयर तो दोनों विच ही सेम है. इतने क्या रहा है सिक्स के आ रहा है इतने क्या रहा है थ्री के आ रहा है इतने थ्री आ रहा है इतने ओनली वन आ रहा है. तो एवली टर्म बड़ी होएगी ना जब आप के कोई भी नैचुरल नंबर पुट करांगे तो तुसी जो ये स्टैप तो तुसी खुद बनाना है ये स्टैप थोड़ा सोल्व करके खुद बन गया. तो आप इन्हों दोनों वैल्यूज़ में जो कंपेयर करिए थोड़े को आ जाएगा के क्यूब प्लस थ्री प्लस सिक्स के प्लस थ्री के स्केयर बाय थ्री इज ग्रेटर दैन के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के स्केयर प्लस थ्री के बाय थ्री फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर. ठीक है. इस तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हूँ तुसी की किता देखो जब तुसी दोनों साइड से के प्लस वन की होल स्केयर ऐड किया सी तुहाडे एवलस एवली टर्म है जिहड़ी सारी सीरीज का सम है वह इस तो ग्रेटर आया सी. अगे यह इस तो ग्रेटर आ गया मतलब इन्हों मैं कंबाइंड कर दा थोड़े को ओवरऑल रिजल्ट की बन जाएगा वन स्केयर टू स्केयर अप टू के प्लस वन दी होल स्केयर इज ग्रेटर दैन के क्यूब प्लस थ्री प्लस सिक्स के प्लस थ्री के स्केयर बाय थ्री विच इज़ अगेन फ्रॉम दिस स्टेप इज ग्रेटर दैन के क्यूब प्लस वन प्लस थ्री के स्केयर
प्लस 3k बाय 3। इसनों हुण इसनों विचों हटा दो, जे ए ग्रेटर बी है बी ग्रेटर सी है तो तुसीं कह ही सकते हो भी ए ग्रेटर सी है, उसी हिसाब दे नाल तुहाडे कोल आ जाएगा 1² + 2² अप टू सोन अप टू के प्लस 1 दी होल स्केयर इज़ ग्रेटर दैन के क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्केयर प्लस 3k बाय 3। मतलब थोड़े को ओवरऑल टर्म ग्रेटर आ जाएगी के प्लस 1 दी होल क्यूब बाय 3। तुसी देखो यही तो प्रूव करना सीगा थर्ड स्टेप दे विच, मतलब इस तरीके नाल तुसी क्वेश्चंस नू सोल्व कर सकते हो ईजीली। ठीक है, हुण आपां एक इस दे नाल ही रिलेटेड होर क्वेश्चन करन जा रहे हैं। थोड़े को शो करना कि 1 + x दी होल पावर n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 + nx, जो एक्स है ना ग्रेटर दैन 0 है, मतलब एक्स कोई भी पॉजिटिव क्वान्टिटी है तो एन थोनू पता ही है कि कोई भी नैचुरल नंबर है। पहला आप एन इज इक्वल टू 1 दे लई करांगे, एन इज इक्वल टू 1 दे लई थोड़े कोल की आ जाएगा 1 + x लैफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से भी 1 + x आ जाएगा। तो इन्होंने कहा भी इवली टर्म या तो ग्रेटर होवे या इक्वल होवे, अपनी इक्वल आ गई तो रिजल्ट ट्रू हो गया। हुण आपां की करांगे, एन इज इक्वल टू के लिए सपोज करके चल पाएंगे, अपने को आ जाएगा 1 + x की होल पावर के इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 + kx। फिर आप स्टैप थर्ड प्रूव करांगे एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, साढ़े को आ जाएगा 1 + x की होल पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 1 + kx। ये असी शो करना है, ये साढ़े को ऑलरेडी आ चुका, तो थोनू पता ही है कि आप ग्रेटर दैन और लैस दैन वाले क्वेश्चन के विच की करना होंगे, जो स्टैप साढ़े को सैकेंड स्टैप होंगे आप उस तो थर्ड स्टैप कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह करके बनाने। थोड़े को देखो इतने की है 1 + x की होल पावर के है, इतने थोड़े को 1 + x की होल पावर के प्लस 1 है। जे मैं दोनों साइड से 1 + x मल्टीप्लाई करता 1 + x की रेस टू पावर के इंटू 1 + x कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 + kx। 1 + x की होल पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 + x + kx प्लस के एक्स स्क्योर, मतलब ये बन गया ना। बट प्रॉब्लम क्या आ गई, देखो थोनू प्रूव दे विच की चाहिए, 1 + x की होल पावर के प्लस 1 नू तुसी ग्रेटर दैन और इक्वल टू करना है 1 + k + 1 एक्स तो, थोड़ा मतलब 1 + kx + x तो इस तो करना है। बट थोड़ा किस तो है 1 + x + kx + kx² तो, ये तुसी ऑलरेडी करता, तुसी प्रूफ तो इस तो करना, थोड़ा हो इस तो गया, तो तुसी ना दोनों टर्म्स नू कंपेयर करो। देखो तुसी एक गल नोट करो बच्चे, 1 + x + kx दे विच कुछ ऐड हो रहा है, हो सकता भी एक्स की वैल्यू नैगेटिव हो जाती, वैसे भी एक्स एक स्केयर वाली क्वान्टिटी है तो पॉजिटिव ही होएगा। ठीक है, तो के भी अपने को पॉजिटिव है, मतलब इस टर्म के कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब कि ए वाली टर्म इस तो बड़ी होएगी। हाँ जी, एक्स ग्रे इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर ये की हो जाएगी, फिर ये इक्वल हो जाएंगे। बट आपको पता एक्स 0 हैगा नहीं, उन्होंने कह रखे कि एक्स साढ़े को एक ग्रेटर दैन 0 है, तो ए वाली टर्म मस्ट बी ग्रेटर दैन 1 + kx + x फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ठीक है, इतों की प्रूव हो गया 1 + x की रेस टू पार के प्लस 1 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 + kx + x फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। और बच्चे एक गल ना, हुण अपनी एक मैं मेन गल दसदा थोनू, जब ना तुसी मैंने थोने इत्थे देखा होगा कि मैंने 1 + x तो ये वाला स्टैप बनाने दे लई ना दोनों साइड से 1 + x नाल मल्टीप्लाई कीती सीगी। एक गल ना हमेशा अपने दिमाग च फिट कर लो कि जब तुसी कदे भी किसी भी नंबर नाल मल्टीप्लाई करदे हो ना, इन इक्वेशन दे विच, इन इक्वेशन इन्हां नू बोलदे ने जिस दे विच ग्रेटर दैन और लैस दैन दा साइन है, तां तुसी ना मल्टीप्लाई करदे हो, ये चीज़ दा हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़े कोल एक तो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, एको नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जे ये 0 हो जाता आप दोनों साइड से 0 नाल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और नैगेटिव नाल भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते है। ठीक है, बट हुण गल आई कि मैंने 1 + x नाल मल्टीप्लाई की है, बट मैं ये भी तो पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्वान्टिटी हैगी है। जे एक्स समझ रहे हो ना मेरी गल कि थोड़े को पॉजिटिव क्वान्टिटी होनी जरूरी है मल्टीप्लाई करन दे लई। ठीक है, थोनू फस्ट जो मैंने इस वीडियो दे विच फस्ट क्वेश्चन किया सीगा, उस फस्ट क्वेश्चन दे विच तुसी ए डिस्कस किया सीगा भी अपर टू पता सीगा कि जो फस्ट वीडियो दे विच असी किया सीगा उस दे विच
टू ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨੇ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਹੈ ਐਕਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ